बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, थर्म मीन हीट, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। तो हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। अब केमिकल रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो उन तमाम केमिकल रिएक्शंस में जो भी हीट चेंज होता है हम उसको क्या नाम देते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्म मीन हीट और केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद बेटा ऐसे है कि केमिकल रिएक्शंस के दो तरह के होते हैं। केमिकल रिएक्शन कितनी तरह के, दो तरह के। इनकी दो टाइप्स हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक। एक क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक और दूसरे एंडोथर्मिक। बेटा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, डिफर बिटवीन एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो ये डिफरेंस भी आता है, तो ये आपने लाजमी देखना है एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट इवॉल्व्ड हो, हीट इवॉल्व्ड हो, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट अब्जॉर्ब हो। उसके बाद मैंने डिफरेंस लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से, और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट के पास एनर्जी जो है वो कम होती है प्रोडक्ट से। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है, ये मैं रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट के पास कम। तो क्या होगा इस रिएक्शन में, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए एनर्जी हीट इवॉल्व करेंगे, वो किसके पास जाएगी, वो सिस्टम के पास जाएगी। ये जो हीट इवॉल्व हो रही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ये एनर्जी कहाँ जा रही है, इस जगह के पास जा रही है, इसको बोला जाता है सिस्टम जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा। अब इस तरह के रिएक्शन में रिएक्टेंट इस जगह से एनर्जी लेकर, रिएक्टेंट क्या करते हैं, इस जगह से एनर्जी लेते लेते किस चीज में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट ने क्या किया, हीट अब्सॉर्ब की है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, रिएक्टेंट से। देख सकते हैं आप प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट की कम, तो ये कहां से हीट गेन करता है, इस सिस्टम से गेन करता है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट की कम है, तो ये रिएक्टेंट क्या करते हैं, इस सिस्टम से, इस जगह से हीट गेन करके अब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद देखें, मैंने यही बात लिखी जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि एट स्टार्ट एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम जो है वो इंक्रीज होती है। देख सकते हैं आप एक्सोथर्मिक में जैसे जैसे रिएक्टेंट यहां प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है बेटा, रिएक्टेंट ये एनर्जी किसको दे रहे हैं, सिस्टम को दे रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मैं इसकी बात करता हूं, तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम है और प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज्यादा है। अब देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एनर्जी गेन करेगा इस सिस्टम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो सिस्टम का दर्जा हरारत क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एट स्टार्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडो, इनको दोबारा देख लें, हीट इवॉल्व, हीट अब्सॉर्ब, उसके बाद रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा प्रोडक्ट की कम, इसमें रिएक्टेंट की कम प्रोडक्ट की ज्यादा, इसमें सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है, इसमें सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। अब एक एग्जांपल जो है, एक एक एग्जांपल आपने लाजमी इनमें पुट करनी है। कार्बन और ऑक्सीजन कंबस्शन जब होती है कार्बन की, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जैसे लकड़ी है उसको अगर जलाया जाए तो वहां से क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हीट इवॉल्व होती है, कितनी वाल होती है, -393.7 किलो जौल पर मोल, एक मोल कार्बन अगर कंबस्ट होगी तो उसमें ये हीट इवॉल्व होगी। इस तरह एंडोथर्मिक की एग्जांपल है वाटर, अगर वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस दौरान कितनी वाटर हीट अब्सॉर्ब करता है, तो ये अब्सॉर्ब करता है 285.5 किलो जौल पर मोल। उसके बाद है बेटे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन, इसको आपने अटैम्प्ट भी करना है बेटे, ये दो नंबर का आता है, तो लाजमी आपने दो नंबर अटैम्प्ट करने के लिए, ये नहीं होता कि आप डेफिनेशन लिख लें और उसके बाद जो है खत्म कर दें, तो आपको डिफरेंस लिखना है। जब सवाल आ रहा है डिफर, तो आप डिफर करेंगे में डिफरेंसेस क्या है, तो बुक में डिफरेंसेस नहीं लिखे हुए, आप ये डिफरेंसेस नोट करेंगे, सबसे पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और दूसरे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है ये डेफिनेशन है फर्स्ट डिफरेंस है डेफिनेशन, विच अकर ऑन इट्स ओन, जो खुद बखुद हो रहे हो उनको क्या बोला जाता है स्पॉन्टेनियस, और वो रिएक्शन जो खुद बखुद ना हो विच डू नॉट अकर ऑन इट्स ओन उनको आप क्या बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद मोस्टली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाले जिनके रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा प्रोडक्ट की कम, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद बखुद होते हैं मोस्टली, कंफर्म नहीं यानी 100% तमाम एक्सोथर्मिक नहीं, अक्सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है अक्सर एंडोथर्मिक जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होते हैं ये क्या होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं अक्सर। उसके बाद बेटा क्या डिफरेंस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है ये रिएक्शन जो है स्टार्ट होते हैं किसी ट्रिगर से और आगे प्रोसीड खुद ब खुद करते हैं तो वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो रिएक्शन जो स्टार्ट तो किए जाएं यानी उनको स्टार्ट करने के लिए आप कोई इमदाद दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, कोई हीट दे रहे हैं लेकिन आगे वो खुद ब खुद चल पड़े तो वो भी स्पॉन्टेनियस। अब देखिए ना, एक लकड़ी को मैं जला रहा हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा ट्रिगर दिया, ये जलना शुरू हो गई, अब शुरू में मैंने इसको एड दी है, हीट दी है लेकिन आगे ये सारी लकड़ी जो है ये सारी की सारी जली है खुद ब खुद। अब देखें इस रिएक्शन के दो पार्ट बनाए, एक फर्स्ट स्टेप और दूसरा सेकंड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने एड दी है, हीट दी है लेकिन सेकंड स्टेप जो मेजर स्टेप है, जो बड़ा स्टेप है वो इन्होंने खुद कवर किया है तो ये स्पॉन्टेनियस कहलाएंगे। इनका शॉर्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस था और जो खुद ब खुद कैरीड आउट हो रहा है, प्रोसीड हो रहे हैं तो ये क्या था स्पॉन्टेनियस था। अब आप खुद बताएं अगर किसी रिएक्शन के दो स्टेप हो, एक फास्ट हो दूसरा स्लो स्टेप हो, तो किसके लिहाज से आप रिएक्शन को बताएंगे, तो जो स्लो स्टेप है वो बताएगा जो है वो रिएक्शंस क्या है, तो आपका जो रिएक्शंस है जो प्रोसीड कर रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे कि एग्जांपल मैंने दी कंबस्शन की। उसके बाद यहां जो रिएक्शंस होते हैं स्पॉन्टेनियस, दीज रिएक्शन विच कैन नॉट स्टार्ट ऑन इट्स ओन, ये ना तो स्टार्ट खुद ब खुद होते हैं और ना ही प्रोसीड खुद ब खुद करें, तो उन रिएक्शन को आप बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, जो स्टार्ट भी खुद ना हो और प्रोसीड भी खुद ना कर सकें। इधर क्या लिखा, जो स्टार्ट खुद हो जाएं और प्रोसीड जो स्टार्ट किए जाएं किसी एड से और प्रोसीड खुद हो जाएं तो उसको आप बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, जो ना स्टार्ट खुद हो और ना प्रोसीड खुद करें तो उनको आप बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अब सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, खुद बखुद होते हैं, जब सिस्टम ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ या जिस जगह केमिकल रिएक्शन हो रहा हो उस जगह को क्या बोला जाता है सिस्टम, तो सिस्टम के पास अगर फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो तो उस वक्त रिएक्शन हो जाते हैं स्पॉन्टेनियस। उसके बाद अगर सिस्टम के पास फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो तो उस वक्त रिएक्शन हो जाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ जी, उसके बाद है बेटा जी इनकी एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी कंबस्शन, कंबस्शन क्या होता है, आपने लकड़ी ली या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, उनको आप ऑक्सीजन सप्लाई करें और हल्का सा ट्रिगर देंगे, यानी हल्का सा जो है ट्रिगर उसको कंबस्शन को स्टार्ट करेगा लेकिन वो प्रोसीड खुद ब खुद करना शुरू हो जाएगा। आप उसको जलाने में इमदाद दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं स्टार्ट होने के लिए लेकिन प्रोसीड खुद कर गया तो इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। ये देख लें, अगर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपने हीट दी और रिएक्शन प्रोसीड खुद ब खुद कर गया तो वो भी क्या होगा स्पॉन्टेनियस, लेकिन अगर रिएक्शन को स्टार्ट देने के लिए भी आपको एड देनी पड़ती है और प्रोसीड कराने के लिए भी एड देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, हीट लेनी पड़ती है, तो वहां वो रिएक्शन कहलाते हैं जी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितने भी हैं एसिड और बेसिस के दरमियान में जिनमें वाटर बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, तो यहां बेटा इनमें से बेस क्या देगी बेसिक रेडिकल और एसिड क्या देगा एसिटिक रेडिकल, इनके दरमियान में साल्ट बनेगा, बेसिक रेडिकल और एसिटिक रेडिकल मिलकर क्या बना रहे हैं साल्ट और साथ में क्या बना वाटर, इसी वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रल हो गए एसिड बेस से न्यूट्रल हो गए। अब ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है, इस वजह से ये तमाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। उसके अलावा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे घर की एग्जांपल है कि हम वाटर को जो है अपहिल या टैंकी की तरफ मूव कराते हैं तो ऊपर वाली बिल्डिंग की तरफ मूव कराते हैं, आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो एक पंप की मदद से ऊपर की तरफ जाता है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं जाता। इस तरह अगर हिल से वाटर नीचे आ रहा हो तो वो खुद ब खुद आता है, वो स्पॉन्टेनियस है। इसी तरह वाटर अगर लिक्विड में आप धूप में रखें, लिक्विड में लिक्विड वाटर को एक टब में लेकर रखें तो वो खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाता है वहां हीट एनर्जी गेन करके सिस्टम से किस में कन्वर्ट हो जाता है गैसेस वाटर में, उस दौरान कितनी हीट गेन करता है 44 किलो जॉल पर मोल, तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो बेटा ये कुछ रिएक्शंस हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियस, इनमें डिफरेंस आता है तो डिफरेंस ही तैयार करना है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है अकर ऑन इट्स ओन, फर्स्ट डिफरेंस इधर क्या है नॉट अकर डू नॉट अकर ऑन इट्स ओन,
इधर क्या लिखना है कि मोस्टली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस, मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उनको अगर स्टार्ट में ट्रिगर दिया जाए तो प्रोसीड खुद ब खुद कर जाए तो वो भी स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस की ये आपने बात जहन में जरूर रखनी है कि वो ना ही स्टार्ट खुद ब खुद होते हैं ना ही प्रोसीड खुद ब खुद कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का होना ना होना एक्सो और एंडो पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के पास जो एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। अगर सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा हो तो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है, और अगर सिस्टम के पास एनर्जी कम हो तो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता। तो ये है डिफरेंस इन दोनों में, और इनके बाद आपने एग्जाम्पल भी देनी है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसके फर्स्ट दो टॉपिक हैं। एक है हमारे पास एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरे हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चन आपने कवर अप करने हैं। तो एक एक्सो और एंडो के दरमियान में डिफरेंस लाजमी आना चाहिए, और दूसरा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के दरमियान डिफरेंस भी लाजमी आना चाहिए। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। फिर ज़रूर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।